नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद दत्त बडोला और मैं आज आपके लेके आया हूं एक पुरानी रेयर कॉमिक बिल्लू डाइजेस्ट वन। तो दिखाता हूं इसकी एक झलक। जब आपको कुछ पढ़ने का मन नहीं करता तो आप चाचा चौधरी, बिल्लू, पिंकी, रमन, प्राण जी के कैरेक्टर पढ़ते हो और आपका मूड फ्रेश हो जाता है, उसी तरह जैसे कि आप अपने बचपन में पहुंच गए हो। ये 15 रुपये वाली मेरे ख्याल से रीप्रिंट होगी, ये पहली है 12 रुपये में आई थी शायद, लेकिन ये फिर भी बहुत ख़ास है। ये मैंने पहले पढ़ी हुई थी और आजकल क्या कहते हैं, जब मैं पढ़ता हूँ तो फिर चाचा चौधरी पढ़ने का बहुत मन कर रहा है। चाचा चौधरी, बिल्लू, पिंकी, बिल्लू और प्राण जी के शुरुआती कॉमिक्स का कोई जवाब ही नहीं, वो लाजवाब है, उन्हें कितनी भी बार पढ़ो वो हर बार नई अनुभूति का एहसास कराती है। शुरुआत में तो जब मैं छोटा था तो मैं चाचा चौधरी और बिल्लू पिंकी की कॉमिक्स या जैसे नागराज की कॉमिक्स होती थी तो एक कॉमिक्स के बदले में दो दो तीन तीन चार चार कॉमिक्स मैंने दी हुई हैं डाइजेस्ट के बदले चेंज करने के लिए। एक बार चाचा चौधरी डाइजेस्ट नंबर 9, उसमें जहाँ तक मुझे याद है रान गान से टक्कर और सिकंदर से मुठभेड़ 10वीं डाइजेस्ट, इनके बदले मैंने जब ये आई थी तो 25 रुपये की थी और चार चार पाँच पाँच कॉमिक्स दी थी उस टाइम एक लड़के को। लेकिन पढ़ने के बाद भी मुझे किसी गम का एहसास नहीं हुआ था कि मैंने 4-5 कॉमिक्स दी थी एक्सचेंज में, क्योंकि उस टाइम 2-2 रुपये में बिक जाती थी और ये पूरे 25 रुपये की थी। इस समय तक बिल्लू और गब्दू भी थोड़े बड़े हो चुके थे, प्राण जी ने उसे थोड़ा बड़ा कर दिया था, लेकिन पिंकी उतनी की उतनी ही है। ऐसे जैसे ये यहाँ पे बिल्लू छोटा है, तो दोस्तों मैं तो जा रहा हूँ दोबारा से ये कॉमिक्स पढ़ने और अपने बचपन का दोबारा से जीने। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसके साथ ये कहानी के साथ एक और कहानी है आपके लिए, बिल्लू की कहानी। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी खास कॉमिक्स के साथ, तब तक के लिए अलविदा।